हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग ठीक हैं? घर में रहिएगा, सुरक्षित रहेंगे। और जैसा कि वीडियोस आप लोगों को सबको मिल ही रही होंगी, तो घर में बैठ के अपनी तैयारी करिए, ठीक है ना? और वो ज़्यादा बेटर है इस समय का, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। इसलिए आप लोग, मैं तो यही कहूँगा आप सभी लोगों से कि घर में रहिए और घर में रह के अपनी स्टडी करिए, फालतू समय बर्बाद ना करें। तो जैसे कि मैंने इससे पहले की वीडियोस में सी प्रोग्रामिंग डाली थी, तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे थोड़ा सा कहा, डिमांड की कि सर जावा प्रोग्रामिंग पे भी कुछ वीडियोस बना दीजिए, ताकि उन लोगों को आसानी से घर में बैठ के वो पढ़ सकें। तो मैं आज से जावा प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये भी बिल्कुल बिगनिंग से ही करूँगा। जैसे मैंने सी की थी वैसे ही जावा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स, जैसे कुछ बच्चे जानते भी हैं पहले से थोड़ा जावा पढ़े हुए हैं, तो उन्हें कुछ नया सीखने को मिल जाएगा, और जो बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जैसे मैंने सी में स्टार्टिंग किया था बिल्कुल बेसिक से, इसी तरीके से मैं जावा को भी बेसिक से ही स्टार्ट करूँगा। शुरू से बताऊँगा एक एक टर्म, एक एक चीज़, और इसमें भी मेरा फोकस ज़्यादा प्रोग्रामिंग पे होगा, क्योंकि थ्योरेटिकल नोट्स मैं सारे अपने PDF पे बना के इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, ताकि आप लोग उससे आसानी से पढ़ सकें। यहाँ पे मेरा मेन फोकस होगा कोडिंग पे, प्रोग्रामिंग पे, क्योंकि वो मेन होता है, मेन होती है प्रोग्रामिंग। अगर आपको प्रोग्रामिंग ईजिली समझ में आ जाएगी, तो थ्योरी तो आप उसे पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लर्न नहीं की जा सकती, प्रोग्रामिंग को सिर्फ समझा जा सकता है। तो मैं यहाँ बिल्कुल जावा में बेसिक से स्टार्ट करूँगा, तो आप इसकी भी वीडियोज़ अपना पढ़ते रहिएगा। तो आज हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है कि इस लैंग्वेज में जो भी हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, वो प्योरली इंग्लिश वर्ड्स में होंगे, जिन्हें ट्रांसलेटर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। लेकिन इसका कंपाइलेशन और ट्रांसलेशन डिफरेंट होता है, जो अभी मैं आगे बताऊँगा। अभी हम इतना समझते हैं कि जावा हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यानी कि जावा में जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, उसमें कौन से प्रिंसिपल्स इस्तेमाल किए जाएंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो जो भी जावा में प्रोग्राम बनेगा, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। इन्हें भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इतना हमें पता चल गया कि जावा हमारी कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। याद रखिएगा, सी की तरह नहीं है, सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बेस्ड नहीं थी, लेकिन जावा आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है। आगे मैं आगे के लेक्चर्स में, वीडियोस में दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा। फिलहाल हम इतना जान लेते हैं कि जावा हमारी ऑब्स बेस्ड है। कब इसकी स्टार्टिंग हुई? 1991 में। कौन इसके डेवलपर थे, जन्मदाता कौन थे? इसके जो हेड थे जेम्स गॉसलिंग। इनके साथ और भी मेंबर्स थे, लेकिन जो हेड थे वो जेम्स गॉसलिंग। कंपनी का नाम था सन माइक्रो सिस्टम। कंपनी का नाम था सन माइक्रो सिस्टम। लेकिन बच्चों ये भी याद रखिएगा, 2010 में सन माइक्रो सिस्टम से ओरेकल कॉरपोरेशन ने जावा को परचेस कर लिया। यानी अब इसकी जो कंपनी है वो ओरेकल कॉरपोरेशन, याद रखिएगा, सन माइक्रो सिस्टम से ओरेकल कॉरपोरेशन ने जावा को परचेस कर लिया। कब? 2010 में। 1991 में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग जावा नहीं बोलते थे, याद रखिएगा बच्चों। इसे हम लोग ने तब नाम क्या दिया गया था? ऑक, OAK। ऑक को रिप्लेस किया जावा नाम से कब? 1995 में। क्योंकि जब ऑक प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग हुई, तब जावा प्रोग्रामिंग से सॉफ्टवेयर्स जैसे TV के रिमोट्स के, VCR और इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते थे। लेकिन उस टाइम में जावा इन सॉफ्टवेयर से पॉपुलराइज होने लगी, इसलिए फिर 1995 में जावा ऑक से नाम रिप्लेस करके क्या रख दिया गया? जावा। आज की डेट में जावा को एक जनरल पर्पस लैंग्वेज कहा जाता है, जो हर किसी टाइप के सॉफ्टवेयर्स बनाने में कैपेबिलिटी रखती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। इंटरनेट एप्लीकेशंस हम लोग आसानी से बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन आसानी से बना सकते हैं, कॉमर्शियल कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम जावा पे आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि जावा एक आज की डेट में हाईटेक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
अब स्टूडेंट्स हम कुछ इसके फीचर्स देख लेते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग के फीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स में सबसे पहले जो सबसे पहला फीचर है इसका वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सबसे पहला फीचर है इसका कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है, याद रखिएगा बच्चों, जावा में हम कोई भी स्मॉल से स्मॉल एप्लीकेशन बनाएंगे, मान लीजिए अपना हमें नाम ही प्रिंट कराना है, वो भी क्लास और ऑब्जेक्ट के बेस पे ही इम्प्लीमेंट होगा। जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कही जाती है। इसमें कोई भी एप्लीकेशन है वो क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज़ करके ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। और भी इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, लाइक इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्शन है। आगे की वीडियोस में हम उन पर भी चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। दूसरी इसकी जो मेन फीचर है वो है कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। दूसरी फीचर क्या है बच्चों? कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। याद रखिएगा जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें दो ट्रांसलेटर्स यूज़ होते हैं। ये सी और सी प्लस प्लस की तरह नहीं है जिसमें सिर्फ कंपाइलर ही इस्तेमाल हों। जावा में दो ट्रांसलेटर्स इस्तेमाल होंगे, एक कंपाइलर होगा और एक इंटरप्रेटर होगा। जावा में प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को दो जगह चेक किया जाता है, ड्यूरिंग कंपाइलेशन एंड आफ्टर कंपाइलेशन, फिर इंटरप्रेटेशन किया जाता है, यानी कि इंटरप्रेटर के थ्रू जावा में एप्लीकेशन को चेक किया जाता है। कंपाइलेशन के लिए जावा का जो कंपाइलर है बच्चों, याद रखिएगा जावा सी। जावा सी ये जावा का कंपाइलर है जो आपके जावा सोर्स कोड को कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद जो फाइल बनेगी बच्चों, याद रखिएगा जावा में कंपाइल होने के बाद मशीन कोड नहीं जनरेट होता है। जावा में जब आपका सोर्स कोड कंपाइल हो जाएगा तो जो फाइल बनेगी उसे हम नाम देते हैं बाइट कोड। बाइट कोड जिसकी फाइल होती है डॉट क्लास। याद रखिएगा बाइट कोड मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड नहीं होता है, ये 01 पे नहीं होता, इसमें भी इंग्लिश वर्ड्स ही होते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं, इसे देख सकते हैं। तो डॉट क्लास फाइल बनती है किसके थ्रू? जावा कंपाइलर के थ्रू। ये जावा कंपाइलर होता क्या किस में है? जावा की एक किट होती है जिसका नाम दिया जाता है JDK। क्या नाम है? JDK, जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट ये किट होती है जिसमें अलग अलग इन्वायरमेंट्स, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स स्टोर्ड होते हैं। इसी में JVM भी होता है आपका। तो जावा सी यानी कि कंपाइलर जो आपके सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करेगा? बाइट कोड में, जिसकी फाइल कौन सी होती है? डॉट क्लास। इस बाइट कोड को कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में। किस में कन्वर्ट किया जाता है? मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज में। कौन करता है? जावा का इंटरप्रेटर, जावा, जैसे हम जावा वर्चुअल मशीन भी कहते हैं। ये किस एनवायरनमेंट में, किस में, किस पैकेज में होती हैं? JDK, जावा डेवलपमेंट किट में। तो याद रखिएगा कंपाइलर भी होता है और इंटरप्रेटर भी होता है। कंपाइलर जावा सी जो आपकी फाइल को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करेगा यानी कि बाइट कोड में। वो बाइट कोड किसके लिए बनाया जाएगा? जावा वर्चुअल मशीन के लिए। तब ये कोड मशीन कोड में कन्वर्ट होगा यानी कि 0 और 1 में। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, इसका जो कंपाइलेशन और इंटरप्रेटेशन है, बाकी के लैंग्वेज से डिफरेंट होता है, इसलिए आपको इसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी तरीके से जो तीसरी मेन फीचर है वो है जावा की प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसी में जोड़ देते हैं हम एक और, एंड पोर्टेबल। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल, ये भी इम्पोर्टेंट फीचर है। जावा के साथ एक लाइन स्टेटमेंट बोला जाता है, राइट वंस रन एनीवेयर।
यानी कि एक बार एक जगह लिखिए और उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी रन करा लीजिए आसानी से। ये पॉसिबिलिटी कैसे हुई? क्योंकि हमारे पास जावा में क्या बनाया जाता है? बाइट कोड। ये बाइट कोड ही इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आसानी से रन हो सकता है। यानी कि जावा की कोई भी एप्लीकेशन है, वो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही प्लेटफॉर्म या किसी एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही बनाई जाए और रन हो। आप जावा के एप्लीकेशन को विंडो पे बना सकते हैं और यूनिक्स पे रन करा सकते हैं, वो आसानी से रन हो जाएगी। तो ये भी एक इसकी इम्पॉर्टेंट फीचर है जिससे जावा पॉपुलर है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब है क्योंकि जावा में बाइट कोड बन जाता है, क्लास फाइल बन जाती है, उसे हम किसी दूसरे सिस्टम में आसानी से पोर्टेबल कर सकते हैं, मतलब आसानी से उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय यूजिंग पेन ड्राइव, और उसे किसी दूसरे सिस्टम पे आसानी से चला सकते हैं। इतना याद रखिएगा, उस सिस्टम पे JDK किट होनी चाहिए ताकि उसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर, JVM सारे पैकेज स्टोर्ड हों, ठीक है ना। इसी के साथ जो नेक्स्ट फीचर होती है उसे बोला जाता है रॉबस्ट एंड सिक्योर। इम्पॉर्टेंट फीचर होती है जावा की, जो जावा को पॉपुलर बनाती है। जावा एक रॉबस्ट नेचर की होती है, रॉबस्टनेस है इसके अंदर, यानी कि स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है जो आसानी से मेमोरी को मैनेज कर लेती है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है। जो ऑब्जेक्ट अनयूज्ड होते हैं, जिन्हें यूज़ नहीं किया जाता है, वो ऑटोमेटिकली उनके स्पेस को फ्री कर दिया जाता है। तो इसमें मेमोरी मैनेजमेंट ठीक है, अच्छा है। दूसरा, आसानी से एक्सेप्शंस को भी हैंडल किया जा सकता है। एक्सेप्शंस मतलब रन टाइम एरर्स, जिसमें प्रोग्राम आपका कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन रन नहीं होगा, एक्सेप्शन आएगी मतलब रुकावट आएगी, तो उन्हें भी ये आसानी से हैंडल कर लेती है। जावा सिक्योर लैंग्वेज है भाई, ईजिली हैक्ड नहीं है। इससे बनाए हुए जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो भी कोडिंग होती हैं वो आसानी से हैक्ड नहीं होते हैं, वायरसेस अटैक आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पॉइंटर इस्तेमाल नहीं होता है जावा में। पॉइंटर्स का मतलब जो डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कराता था, जो जावा उसे अलाउड नहीं करती है, जिससे जावा की सिक्योरिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट, सिंपलिसिटी। जावा एक सिंपल प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। सिंपल प्रोग्रामिंग मींस इसमें पॉइंटर्स जैसे कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स नहीं होते हैं जो सी में होते हैं, हेडर फाइल्स लगाओ उन्हें याद रखो कि कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, कौन सा हेडर फाइल हो, इसलिए ये सिंपलिसिटी में आती है। इसमें उसकी जगह हमें पैकेजेस को थोड़ा रिमेंबर रखना पड़ता है, बाकी के पॉइंटर्स नहीं है। पॉइंटर्स की प्रोग्रामिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है, उसको हैंडल करना, उसे एक्सेस कराना, वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसलिए जावा में वो कॉन्सेप्ट्स नहीं है, इसलिए इसे सिंपल लैंग्वेज की कैटेगरी में है। नेक्स्ट क्या है हमारा फीचर? नया फीचर है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग एक ऐसा फीचर है जावा का। मल्टी मीन्स मल्टीपल, थ्रेडिंग का मतलब होता है, थ्रेडिंग मीन्स एक डिफरेंट टास्क जो हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग में लिखते हैं। यानी कि जावा प्रोग्रामिंग में अलग अलग टास्क एक टाइम पे साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो सकते हैं। कोई एक टास्क बिना कंप्लीट हुए तो उसके दूसरा टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा, दूसरे टास्क का बिना कंप्लीट हुए तीसरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हमारा एक से एक के बाद एक टास्क एग्जीक्यूट होते रहेंगे साइमल्टेनियसली, मतलब पैरेलली। ये फीचर हमारी जावा प्रोग्रामिंग में ही है, जिसमें हम लोग मल्टीपल थ्रेड्स को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करा लेते हैं। इसकी प्रोग्रामिंग भी होगी जो हम आगे आप लोगों को डिस्कस कराएंगे। नेक्स्ट है केस सेंसिटिव। जावा हाईली केस सेंसिटिव है। हाईली मैंने टर्म लगाया है, हाईली मीन्स इसमें हमें प्रॉपर ध्यान देना होता है कि कौन सा कीवर्ड कब लिख रहे हैं, किस तरीके से फंक्शन लिख रहे हैं, कौन सी प्रीडिफाइंड क्लास लिख रहे हैं, क्योंकि इसके रूल्स अलग हैं। इसमें अपर केस और लोअर केस को अलग ट्रीट किया जाता है, इसका कंपाइलर बहुत ज़्यादा सेंसिबल है। कीवर्ड्स जो भी लिखे जाएंगे सारे लोअर केसेस में लिखे जाएंगे,
जो भी फंक्शंस दो वर्ड से मिलकर बना होगा उस फंक्शन का सेकंड वाले वर्ड का पहला लेटर अपर केस में होगा, जो भी आपके क्लासेस होंगे प्रीडिफाइंड उनका पहला लेटर अपर केस में होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें जावा प्रोग्रामिंग करते समय, प्रोग्राम्स को लिखते समय याद रहनी पड़ेंगी। मैं जैसे जैसे प्रोग्रामिंग बताऊंगा उस वहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा कि कौन सा टर्म किस तरीकों से केस में लिखा जाएगा, कीवर्ड कैसे लिखा जाएगा, फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, क्लास कैसे लिखा जाएगी। नेक्स्ट है फीचर इसकी हाई परफॉर्मेंस। अब भाई जावा में इतनी सारी फीचर्स हैं, यानी कि इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो ऑटोमेटिकली हाई होगी। भाई इसमें जो भी कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर्स होंगे, जो भी हमारी एडवांस प्रोग्रामिंग होगी, वो सारी चीज़ें हमारी जावा से आसानी से पॉसिबिलिटी में फुलफिल हो सकती हैं, क्योंकि इसमें हाई परफॉर्मेंस कोडिंग कर सकते हैं। जो भी कोडिंग हमारी बाकी की लैंग्वेज में, पुरानी लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं हो सकती है, वो इसमें आसानी से पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ कई सारे नए नए फीचर्स इंक्लूडेड हैं। ओके, थैंक यू।